अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद रऊफ और आप लोग देख रहे हैं रूफी डैड। सो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग वेबसाइट बना सकते हैं। और इसके लिए जो है, मैं आप लोगों को हमेशा की तरह कोई प्रीमियम थीम प्रोवाइड करने वाला नहीं हूँ। आज हम लोग एक फ्री थीम का यूज करेंगे और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक टेम्पलेट किट प्रोवाइड करूंगा जो कि मैंने अपने क्लाइंट के लिए कुछ ही दिन पहले थीम फॉरेस्ट से परचेज की है। और अगर हम लोग उसकी कीमत की बात करें तो $30 से ऊपर की उसकी प्राइस है। तो मैं आप लोगों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। एंड चलें हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन को दबा दें वर्डप्रेस की टिप्स ट्रिक्स एंड गाइड्स के लिए। सो दोस्तों, आज जो हम लोग होस्टिंग यूज करने वाले हैं अपनी इस वेबसाइट को बनाने के लिए, वो मैंने डोमेन racer.com से परचेज कर रखी है। अगर आप लोगों ने भी होस्टिंग परचेज करनी है या डोमेन परचेज करनी है तो ये वेबसाइट आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त है। आप लोग यहाँ से जाकर अपने लिए होस्टिंग एंड डोमेन परचेज कर सकते हैं। और इनका जो सिल्वर प्लान है, ये आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट प्लान है। मैं आप लोगों को यही रेकमेंड करूंगा। इसके अंदर आप लोग अपनी 3 वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं और सबसे मजे की चीज, आप लोगों को अनलिमिटेड बैंडविड्थ भी ये देते हैं। एंड उसके साथ साथ जो है 24/7 इनकी जो सपोर्ट टीम है वो आपकी हेल्प के लिए ऑनलाइन रहती है। तो चलें, इनकी वेबसाइट का जो लिंक है मैं आप लोगों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड हम लोग अपनी वीडियो को आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग मेरी वेबसाइट देख सकते हैं, ये बिल्कुल इस वक्त एम्प्टी है। तो चलें हम लोग इस पर अपने काम को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं चला जाता हूँ सबसे पहले अपने एडमिन डैशबोर्ड के अंदर। एंड यहां से जाकर हम लोग सबसे पहले चले जाएंगे प्लगइन्स में। एंड ये मेरे पास मेरी ओल्ड वेबसाइट के यहाँ पर प्लगइन्स अवेलेबल हैं, तो मैं इन्हें यहां से आकर कर दूंगा डिलीट। सो अब हमें जो है एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, उसके लिए मैं ऐड न्यू पर क्लिक करूंगा। सो यहां पर आकर मैं सर्च कर लूंगा टेम्पलेट किट इंपोर्ट। एंड ये तो पहले वाला प्लगइन आप लोगों ने सिंपली से इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। सो हमारा प्लगइन यहां पर इंस्टॉल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी थीम को इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके लिए मैं अपीयरेंस पर होवर करूंगा एंड थीम्स पर क्लिक कर दूंगा। एंड यहां से हम लोग चले जाएंगे ऐड न्यू के अंदर। एंड यहां पर आप लोगों ने सर्च कर लेना है हेलो एलिमेंटर। तो ये हमारी थीम आ गई है। इसके अलावा अगर आप लोग एक्स्ट्रा थीम का भी यूज करना चाहें वो भी जबरदस्त है, आप लोग उसका भी यूज कर सकते हैं। तो चलें मैं इस थीम को जो है इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेता हूं। सो हमारी जो थीम थी वो भी इंस्टॉल हो गई है। अब हम चले जाते हैं टूल्स में। एंड यहां से हम लोग चले जाएंगे टेम्पलेट किट। एंड ये आप लोग यहां पर प्लस का ऑप्शन देख सकते हैं और इसके नीचे लिखा हुआ है अपलोड टेम्पलेट किट जिप फाइल। तो हम लोग प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड ये हमारी जिप फाइल है। और इसका जो लिंक है मैंने आप लोग को वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोग क्लिक करेंगे ओपन पर। एंड अब हमें कुछ देर इंतजार करना है ताकि जो हमारी टेम्पलेट किट है वो इंपोर्ट हो जाए। सो हमारी जो टेम्पलेट किट थी वो इस वक्त इंपोर्ट हो गई है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं उसके तमाम पेजेस, पॉपअप, हेडर, फुटर, यानी कि जितने भी ब्लॉक्स हमें जरूरत है सब के सब इस जगह पर आ चुके हैं। सो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हमें रिक्वायर्ड प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है। उसके लिए मैं क्लिक करूंगा इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स। एंड यहां से हम लोग एलिमेंटर को हटा देंगे, बाकी तमाम को इसी तरह चेक मार्क रहने दें। उसके बाद जो है इंस्टॉल अबव सिलेक्ट रिक्वायरमेंट्स पर क्लिक कर देंगे। एंड फ्रेंड, मैंने आप लोगों को एलिमेंटर प्रो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, आप लोगों ने सिंपली उसी को जो है अपलोड करके एक्टिवेट कर लेना है।
सो अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाएं और एलिमेंटर प्रो को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लें। सो अब मैं यहाँ चल जाऊंगा प्लगइन्स में, एड न्यू एंड इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। आप लोग ये तो देख लेंगे कि हम लोगों ने किट किस तरह से इंस्टॉल कर ली है या इसके हम जो है पेजेस किस तरह से इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके हेडर एंड फुटर के लिए आप लोगों को मुश्किल हो जाएगी। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं यहां पर अपलोड प्लगइन पर क्लिक करूंगा, चूज फाइल एंड यहां से जो है मैं एलिमेंटर प्रो को सिलेक्ट करके ओपन पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद इंस्टॉल नाउ, एक्टिवेट प्लगइन, सो हमारे प्लगइन भी एक्टिवेट हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हम लोग एक पेज को इंपोर्ट कर लेंगे जो कि हमारा होम पेज। उसके लिए मैं यहां से चल जाऊंगा पेजेस में, एड न्यू एंड हमारे पेज का नाम है होम। टेम्पलेट से जाकर आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है एलिमेंटर फुल विड्थ एंड देन पब्लिश, पब्लिश अगेन एंड इसके बाद क्लिक कर दें एडिट विद एलिमेंटर पर। सो हमारा जो पेज था वो एलिमेंटर के अंदर ओपन हो गया। अब हम लोग क्लिक कर देंगे, ये आप लोग आइकन देख सकते हैं इनवाइट होगा इसके ऊपर एंड ये हमारी टेम्पलेट किट हमारे सामने आ गई है। व्यू इंस्टॉल किट, इस बटन के ऊपर क्लिक कर दें एंड ये हमारे तमाम पेजेस एंड ब्लॉक्स इस जगह पर अवेलेबल हैं। तो हमें चाहिए होम पेज, तो चेक करते हैं कि हमारा होम पेज किस जगह पर अवेलेबल है। सो ये हमारा होम पेज इस जगह पर अवेलेबल है। इसके लिए हम इंसर्ट टेम्पलेट किस बटन पर क्लिक कर देंगे। सो हमारा जो होम पेज था वो इंपोर्ट हो गया। हम लोग इसे कर देते हैं यहां से अगर अपडेट एंड देन इस आई बटन के ऊपर क्लिक करते हैं एंड ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो हेडर था वो इस जगह पर अवेलेबल नहीं है। इसी तरह अगर हम लोग नीचे की तरफ चले जाएं तो यहाँ पर आप लोग ये भी देख सकते हैं हमारे पास पर फुटर भी अवेलेबल नहीं है। अब आप लोगों ने हेडर एंड फुटर को किस तरह से लगाना है तो चले मैं आप लोग को उसके बारे में बता देता हूँ। तो हम होम पेज को क्लोज कर देंगे जो कि हमारा एलिमेंटर के अंदर ओपन था। वापस चल जाएंगे अपने डैशबोर्ड के अंदर एंड यहां से आप लोगों ने वापस चले जाना टूल्स के अंदर एंड टेम्पलेट किट व्यू इंस्टॉल किट एंड हेडर जो है इसके आप लोगों ने इस बटन के ऊपर इंपोर्ट टेम्पलेट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसी तरह नीचे आ जाएं, ये आप लोगों का फुटर अवेलेबल है, फुटर के भी इस बटन के ऊपर क्लिक कर दें इंपोर्ट टेम्पलेट एंड वापस ऊपर की तरफ आ जाएं एंड ये आप लोग देख सकते हैं टेम्पलेट, इसके ऊपर होवर करें, एड न्यू के ऊपर क्लिक कर दें एंड इसे इस जगह से अगर क्लोज करें और ये आप लोग देख सकते हैं फुटर एंड हेडर। सो हेडर को जो हम लोग एडिट विद एलिमेंटर के अंदर न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। इसी तरह हम लोग जो है एडिट विद एलिमेंटर फुटर को भी इनके ओपन कर लेंगे। सो ये ऊपर आप लोग देख सकते हैं हमारे से ऊपर हेडर आ चुका है और ये हमारा मेन्यू बार है। अब तक हम लोगों ने मेन्यू अपना क्रिएट नहीं किया तो इसीलिए ये जो है एम्प्टी शो हो रहा है। आप लोगों ने अपने मेन्यू को क्रिएट कर लेना है और उसका भी जो है मैं आप लोगों को तरीका भी बता देता हूँ। उसका हम लोग आ जाते हैं फुटर के अंदर एंड ये हमारी फुटर बार इस जगह पर आ चुकी है। सो हम लोग क्या करेंगे, अपडेट के साथ ये आप लोग आइकन देख सकते हैं सेव ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करें एंड डिस्प्ले कंडीशन पर क्लिक करें। उसके बाद जो है इसे एंटायर साइट, ये ऑलरेडी सिलेक्ट है तो हम लोग इसे कर देंगे सेव एंड क्लोज एंड इसके बाद जो है हम लोग वापस आ जाते हैं हेडर के अंदर एंड सेम फॉर दिस वन सेव एंड क्लोज। सो अब मैं आप लोगों को बता देता हूं नेविगेशन बार का भी। आप लोगों ने जो है अपने एडमिन डैशबोर्ड को दोबारा से ओपन कर लेना है एंड यहां से अपीयरेंस पर होवर करके
मेन्यू पर क्लिक कर दें एंड हम जो यहाँ से एक डमी नेविगेशन बार या अपने मेन्यू जो हम लोग क्रिएट कर लेंगे। एंड सेव मेन्यू। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे एडिट विद एलिमेंटर, ये हम लोग जो अपने हेडर को ओपन कर रखा है इसी के अंदर, एंड इसे हम लोग करेंगे रिफ्रेश। सो ये हमारे पेजेस जो थे वो भी जगह पर आ गए हैं। एंड इसके बाद जो हम लोग इसे क्लोज कर देंगे। एंड अब हम लोगों ने चल जाना है सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स पर होवर करें एंड रीडिंग के ऊपर क्लिक कर दें। इस जगह से आप लोगों ने ये दूसरे वाला जो ऑप्शन है स्टैटिक पेज, इसे सिलेक्ट करना है। एंड होम पेज में जो हम लोग होम पेज को सिलेक्ट कर देंगे एंड देन सेव चेंजेस। अब हम लोग जाकर अपनी वेबसाइट को चेक करते हैं। इसके लिए मैं विजिट साइट पर क्लिक करूंगा एंड ये हमारी वेबसाइट हमारे सामने रेडी हो चुकी है। इसी तरह जिस तरह मैंने आप लोगों को होम पेज बनाने का तरीका बताया है, इसी तरह आप लोगों ने इसका अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज एंड दूसरे सर्विस पेज, जितने भी पेजेस अवेलेबल हैं आप लोगों ने सभी को जो है इस जगह पर इंपोर्ट कर लेना है। सो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो थी आज की आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद रही होगी। अगर ऐसा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड लाजमी से अपना वैल्यूएबल कमेंट कमेंट बॉक्स में छोड़ कर जाएं। और अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो इस वीडियो के रिलेटेड या किसी भी दूसरी वीडियो के रिलेटेड या वर्डप्रेस के रिलेटेड, तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या उसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। सो चलें दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।